आभा चौधरी हमारे साथ हैं जो बिहार पवेलियन में हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ट्रेड फेयर के बारे में? ट्रेड फेयर ये हम सारे कारीगरों के लिए बहुत बड़ा बाज़ार है। यहाँ हर कोई इंतज़ार करता है सालों भर की सामान खरीदने आने के लिए। आज इंडिया में जो भी मार्केट या एग्जीबिशन लगते हैं, इससे बड़ा एग्जीबिशन मुझे नहीं लगता कोई है। और हम लोगों के बिहार पवेलियन में इस बार 2021 ट्रेड फेयर में क्या कुछ खास है? बिहार तो अपने आप में ही एक खासियत है। बिहार में आज पिछले साल का रिकॉर्ड अगर आप 4-5 सालों से देखें तो हर साल ये पुरस्कार विजेता रहा है अपने हर एक आर्टिस्ट के लिए, अपने सेल के लिए। क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ें हैं, मेन आपको ग्रामीण कलाकार हैं उनके थ्रू बनाई गई, आपको मुजफ्फरपुर की लाख की चूड़ियाँ हैं, मुजफ्फरपुर की सुजनी आर्ट है, मिथिला पेंटिंग है, आपका भागलपुर की मंजूसा आर्ट है, बहुत सारे आर्ट है, 28 आर्ट है हमारे बिहार में जो सारे कारीगर। स्टॉल पे मैं यहाँ पे जैसा कि देख सकता हूँ, लगता है कि बिहार की जो पहचान है उसे यहाँ पर लाकर रख दिया गया जी। बिल्कुल, यहाँ पे जो भी चीज़ है दुकानें, वो बिहार की पहचान है। या कोई भी चीज़ बिहार के स्टेट से बाहर से परचेज करके नहीं बेचा जा रहा है, जैसे कि आप और भी जगह पे देखोगे कहीं कहीं से परचेज करके वहाँ बेचा जाता है, यहाँ बट हर लोग खुद अपने हाथों से बनाकर बेचते हैं। और यहाँ पे जो दुलारी देवी पेंटिंग कर रही है, मिथिला पेंटिंग, इनको पद्मश्री नवाजा गया है, ये आकर्षण का केंद्र बना है। जी, हमारे लिए ये आकर्षण और हमारे लिए सम्मान की बात है कि ये पद्मश्री होते हुए भी आज हमारे लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं, आप लोगों के बीच में आके इतना अपना वक्त दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से बिहार की जो पहचान है वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है, दुलारी देवी जो पद्मश्री से सम्मानित महिला हैं वो लाइव पेंटिंग कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो आ रहे हैं उन्हें ये पवेलियन बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपनी संस्कृति और कला के लिए पहचाना जाता है, जिसे मूल रूप से वहाँ के छोटे छोटे कलाकार निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन सनज के साथ कमल नयन, 10 न्यूज़।